बुलेटिन रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश के तमाम राज्यों से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं। क्या कुछ प्रदेश में खास रहने वाला है पूरे दिन और किस तरह से राजनीतिक हलचल है प्रदेश में, ये तमाम जानकारियां आप तक सटीक खबरें पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, आज प्रदेश का क्या हाल है दिल्ली का और क्या कुछ खास रहने वाला है, राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल है? जी बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में हलचल की बात आपने कही तो आज बड़ा ही कौतूहल भरा दिन है। आज दिल्ली में मौसम भले ही सामान्य हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से मौसम बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है और भाजपा सेवा समर्पण जो मुहिम है वो चला रही है, जैसा कि पिछले जन्मदिन पर चलाती है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि किसी भी राजनेता को किसी पद पर रहते हुए 20 साल हो जाएंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि 2001 से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में प्रधानमंत्री रहे, तो 20 साल उनको पूरे हो जाएंगे पद पर रहते हुए। और उनके जन्मदिन पर भाजपा कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, जिसमें सेवा समर्पण अपने आप में नायाब है। दूसरा ये रहेगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है जन्मदिन को लेकर, वहीं विपक्ष इस पर हमला करते हुए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो बेरोजगारी दिवस मना रही है। कांग्रेस यूथ ने ऐलान किया है कि दिल्ली में आज 12 बजे के बाद में एक प्रदर्शन किया जाएगा और देश भर के कई हिस्सों में जो है बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। उनका आरोप है कि पहले जो बेरोजगारी दर 2.3% थी और बढ़कर 10.2% हो गई है, तो लिहाजा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार से जुड़ी रहेगी कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने पराली से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें करीब 20 से ज्यादा फायदे दिल्ली सरकार ने बताया है। पराली को गलाने के लिए पहले एक प्रक्रिया होती थी कि जो पराली बच जाती थी खेतों में खेती के बाद, उसको जला दिया जाता था, जिसके कई तरह के दुष्परिणाम सामने आते थे। प्रदूषण होता था और मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती थी, पैदावार कम होती थी और साथ ही जो है धुआं बनता था और उसमें खर्चा भी ज्यादा आता था। उसका विकल्प दिल्ली सरकार ने तलाशते हुए पराली को गलाने की व्यवस्था कर ली थी, जिसकी रिपोर्ट आज सौंप दी गई है। जी, और साथ में एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि दिल्ली के जो बॉर्डर है करीब 9.5 महीनों से बंद है, किसान आंदोलनकारी वहां डटे हुए हैं और जो कृषि कानून पास हुए थे, 3 बिल पास हुए थे, आज उनको 1 साल पूरा हो चुका है। तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल इसका विरोध जताते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो इससे गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन फिर भी तनावपूर्ण कही जा सकती है। जी ठीक है गुलशन, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए झारखंड का रुख करेंगे, रांची से हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, आज क्या प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं और राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल देखी जा रही है? देखिए दीपसी, आज पूरा देश प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन मना रहा है और इसी के दरमियान आज रांची बीजेपी कार्यालय से सेवा समर्पण एक कार्यक्रम है जो 20 दिनों का ये पूरे झारखंड में चलेगा। इसकी शुरुआत जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इसके द्वारा आज कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 20 दिनों तक मोदी की जो जन्मदिन है, क्योंकि उनका तो 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर और 7 साल प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी कुल मिलाकर 20 जो कार्यकाल रहे हैं 20 साल का, इसी दरमियान 20 दिनों का ये सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा प्रदेश भर में जो भी नेता है, जिला के अध्यक्ष है या फिर मंडल के अध्यक्ष है, वो पूरे प्रदेश में लोगों की वो सेवा करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उसका वो निदान करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज रांची के बीजेपी कार्यालय से दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा कर दी गई है। लोग काफी उत्साहित है क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, पूरे पूरे हर जिले में, हर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ता उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल 2 दिवसीय दौरे पर वो रांची पहुंच रहे हैं। उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रदेश के जो नेता है आरजेडी के, वो तैयारियों में जुट चुकी है। कल भी उन्होंने बैठक करी और आज भी कई तरह के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हर महीने 2 दिन का जो समय है वो झारखंड में गुजारेंगे। और संगठन को मजबूत को लेकर और संगठन के साथ साथ जो पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उससे वो सीधा संवाद करेंगे। कल देर शाम वो तेजस्वी यादव रांची पहुंच रहे हैं और परसों कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संवाद करेंगे और कई तरह के वो टिप्स देंगे, क्योंकि झारखंड में आरजेडी का जो जनाधार है काफी कमजोर है, उसे किस तरह से मजबूत की जाए, उसे लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यहाँ पे एक रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कर्मा पर्व है, ये झारखंड के प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भाई बहन का ये त्यौहार मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश को झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने यहाँ पे शुभ संदेश दिए हैं और ये जो पर्व है बड़ा ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। दीपसी ठीक है सूरज, इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और अब सीधे आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से अंकित पचौरी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आज क्या प्रदेश में खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, कोरोना के केसेस कहीं
फिर से बढ़ने लगे हैं कहीं कहीं, तो ऐसे में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, साथ ही राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल है, दर्शकों को बताएं। सरकार ने महावैक्सीनेशन अभियान का निर्णय आज मोदी जी के जन्मदिन पे लिया है, तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आज लगभग 32 लाख टीके मध्य प्रदेश वासियों को लगाए जाएंगे मोदी जी के जन्मदिवस पर। साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण करने वाले हैं। साथ ही मोदी जी के जन्मदिन पर जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले। साथ ही राजनीतिक गलियारों की बात करें तो आज कांग्रेस मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रही है। मध्य प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पर जो यूथ कांग्रेस है वो जो है रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जो है प्रदर्शन यहां पर कर रही है। साथ ही अगर हम कोरोना की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में 7 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। लगभग पिछले दिनों की बात करें तो मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल फिर एक बार जो कोरोना के मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। साथ में जो डेंगू है उसका खतरा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है। आज राजधानी भोपाल में 17 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। प्रदेश के जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी चिंताएं कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। साथ ही जो निगम अमला है, जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो भी लगातार जो डेंगू का लार्वा है उसको तलाशने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लगातार जो कार्रवाई है वो मध्य प्रदेश में की जा रही है। साथ ही मौसम की दिशा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो लगभग 40 जिले हैं वहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो और ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है, तो लगातार जो आगामी 24 से 48 घंटे यहां पर मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। ठीक है अंकित, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे जहां से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, मेगा वैक्सीनेशन कैंप आज उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। करीब 4400 ऐसे केंद्र हैं जहां पर जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो आरंभ की गई है और करीब करीब 1.25 लाख के आसपास में ही अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो है वैक्सीनेशन का एक आयोजन किया गया है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही ख़राब है, निरंतर 2 दिनों से जो पानी है, पानी का तार नहीं टूटा है, पानी कंटिन्यू गिर रहा है, हालांकि इस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो आज 45वीं GST काउंसिलिंग की बैठक लखनऊ में है, ताज होटल में, जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री आ चुकी हैं और उनके साथ सुरेश खन्ना मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सभी जो भी वित्त मंत्री हैं वो उस काउंसिलिंग बैठक में उपस्थित रहेंगे, जहां पर ये तय किया जाएगा कि GST से किन किन छोटे चीज़ों को, किन किन बड़े चीज़ों को GST स्लैब में रखा जाए, जो छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं उनको कैसे लाभ मिल सकता है, और चूंकि त्योहारों का सीजन है तो किन किन और प्रोडक्ट्स को GST के दायरे से बाहर किया जाए, इन सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश का आज 2 दिनों से जो निरंतर बारिश है वो होती जा रही है। ये जो प्रभाव है झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात था, उस चक्रवात का प्रभाव है। अभी जो उत्तर प्रदेश का मौसम विभाग है उसने 3 दिनों तक का और अलर्ट जारी किया है। तमाम शहर है, कानपुर देहात, लखनऊ, अगर पूर्वोत्तर की बात करें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी बारिश, भारी बारिश होने की संभावना है। बाराबंकी में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। अगर हम चौथे खबर की बात करें तो चौथी खबर ये है कि आज प्रमुख रूप से आज विश्वकर्मा पूजा है, जिसमें CM योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी शिल्पियों को, जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को लोक भवन में सम्मानित किया है और अभी यह कार्यक्रम निरंतर सुव्यवस्थित होकर चल रहा है। ये 4 बड़ी खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से। जी ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा प्रदीप, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे जहां रायपुर से हमारे साथ उत्पल सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल, आज प्रदेश में क्या खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं और राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल है, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? उत्पल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
हेलो उत्पल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो अब सीधे रुख करेंगे राजकुमार पाल का। राजकुमार, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें दीप्ति कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर के दिन, और आज विश्वकर्मा पूजा भी है जिसको आज उत्तराखंड में लगातार यहां पर मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कई प्रोग्रामों में यहां पर आयोजन किया जाना है। अगर बात करें मौसम की तो मौसम कुछ दिनों का यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी है, और बारिश लगातार कई पहाड़ी क्षेत्रों में और कई प्लेन वाले इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, और कहीं जल भराव की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर उत्तराखंड के और जगह पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लक्सर हरिद्वार जिले में भी आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद यही खबरें तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड में ये खबरें तमाम खबरें ये रहेंगी। जी ठीक है, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है राजकुमार, और साथ ही कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। जी बिल्कुल दीप्ति, अगर बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 6 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहाँ पर कल रात से ही बारिश देखने को मिल रही है, और अगर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भूस्खलन की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई जो पर्वतीय क्षेत्र के जो नेशनल हाईवे के रोड है वो बाधित हो गए हैं, उसको खोला जा रहा है। बीआरओ की तरफ से यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि खोलने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर बात करें कोरोना की तो कोरोना के यहाँ पर अभी हालात सामान्य है, कई जिलों में देखा जा रहा है कि कुछ केस आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी वैक्सीनेशन के चलते यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज जन्मदिन है उसको लेकर उत्तराखंड के अंदर भाजपा की तरफ से कई जगह पर वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर लोग आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं और वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। और जी आज ये तमाम खबरें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा राजकुमार, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब सीधे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे जहाँ रायपुर से हमारे साथ उत्पल सेन गुप्ता एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। उत्पल, क्या कुछ आज प्रदेश में बड़ी खबरें हैं, किस तरह की हलचल है राजनीतिक गलियारों में, और मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? जी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सबसे पहले खबरों की शुरुआत हम मौसम से करेंगे। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से पूरे प्रदेश के 5 संभाग में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक तरफ जहां पिछले कुछ दिनों से बरसात नहीं हो रही थी तो चिपचिपी गर्मी से लोग हलाकान थे, तो वहीं लगातार हो रही 5 दिनों से बारिश से भी लोग एक बार फिर से हलाकान हो गए हैं। बिलासपुर संभाग सहित प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी इतने ज्यादा पानी गिर गए हैं कि गाँव में पानी घुस गया है और टापू की तरह नजर आने लगे हैं। बिलासपुर संभाग के 2 बैराजों को पानी इतना भर गया कि उनके 7 गेट खोलने पड़े। इसके साथ ही रपटा सैनिटरी पुल डूब गया। इसके साथ ही कोरबा जिले के सीतामढ़ी गांव में पानी घुस गया। इसके साथ ही कई जगह के आवागमन बंद हो चुके हैं, सड़कें जाम हो चुकी है। बरसात आज भी लगातार जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार कि आगे भी बरसात होती रहेगी। इसके साथ ही अगर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश के लिए कल टीकाकरण के मामले में प्रदेश का दिन काफी अच्छा था। पूरे प्रदेश में कल 1,76,000 लोगों ने टीकाकरण किया। लोग अब बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण के महत्व को समझने लगे हैं और आगे आकर टीकाकरण खुद ही खुद करवा रहे हैं। टीकाकरण की समस्या फिलहाल प्रदेश में नहीं है। इसके साथ ही रायपुर में कल राजधानी में लगातार कल ऐसा दूसरा दिन था जहां रायपुर में कोई भी कोरोना के आंकड़े सामने नहीं आए, लगातार शून्य के आंकड़े आ रहे हैं। इसके साथ ही अगस्त से जो गिरावट कोरोना के मामलों में शुरू हुई है वो सितंबर में के 15 तारीख तक भी लगातार जारी देखी जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो तीसरी बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आरएन गिरधर पर करोड़ों के आसामी होने का केस दर्ज हुआ है। एसीबी ने उनके ऊपर केस दर्ज किया है और जांच जारी है। कहा जा रहा है कि लगातार 2 बार जिला शिक्षा अधिकारी रहे हीराधर अभी समग्र शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है। एसीबी ने उन पर भ्रष्टाचार